हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज दशहरा है, तो मेरी तरफ से आर्यवर्ता जीएस फैमिली की तरफ से आपको दशहरा की भर भर के शुभकामनाएं। और आप खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब मस्ती कहिए करिए, मेले में जाइए, लेकिन कुछ सावधानियां रख करके, सतर्क रख के हमको सारे कार्य को करना है। और माता के भक्ति में एकदम हम लोग पूरी तरीके से लीन हैं। पंडालों में जाइए, माता के दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि मैं जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ, जिस भी फील्ड में हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ पढ़ाई में, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए, जो भी है आप, है ना, उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। ठीक है, हमेशा से हमको यही ट्राई करना है। और आजकल लड़का सब लड़की सबको देखते हैं कि नई तरह की, नहीं मैं कहूँगा, ये तो समस्या काफ़ी दिन से चल रही है, कि ये समझिए कि आज का रावण है क्या। आज का रावण हमारे अंदर है, वो रावण नहीं जिसको आप जाकर के फील्ड में आज जाकर के मार के आओगे। आज का रावण आपके अंदर है। कैसा रावण? हेलो, खाना खाई? खाना खाए? ये कौन चीज है यार? अरे, अरे वो हमारा दोस्त है, अपाची लेके घूमता है, KTM लेके घूमता है। अरे स्टूडेंट सबको कहते हैं कि अच्छा KTM लेके घूम रहा है, लड़का लड़की से बतिया रहा है, तो अपना टाइम किस में लगा रहा है? वेस्ट ही तो कर रहा है। ठीक है ना, वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टाइम वेस्ट होता है आपका, आप समझ नहीं पाते। आपको लगता है ये सब क्षणभंगुर खुशियाँ आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और लोग ये भाई उसके पास अपाची है, KTM है, ये है, वो है, तो भैया उसको मुबारक है ना, वो अपना टाइम उसमें गला रहा है, आप लोग क्यों जाकर अपना टाइम गलाएंगे, है ना। तो हमेशा से आपको ये सोच समझ के चलना है, और हमेशा से आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लाइफ में लेने हैं जो आपको काम करे। ठीक है, तो लो मद मोह अहंकार, ठीक है, इन सब चीज़ों को एकदम से निकाल दीजिए। स्टूडेंट सबको हम भी कहते हैं हमेशा कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आपको एकदम सिंपल रहना है। कोई भी चकाचौंध ये सब के चक्कर में नहीं पाना है, और जितनी जल्दी आपको सक्सेस मिल सके वही आपको मुबारक है। तो फिर से आर्यवर्ता जीएस फैमिली की तरफ से आपको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।